हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे। बात करें अगर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, तो रिसेंटली में जेकेएसएसबी द्वारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट जो है वो निकाल दिया गया है। और रिजल्ट के बाद एज पर द सीनियरिटी एंड स्कोर कार्ड कैंडिडेट्स जो है अपने रिजल्ट को देखते हुए इतना तो समझ चुके हैं कि क्या वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है वो एज पर द मेरिट जो कि कैंडिडेट्स ने स्कोर रखे हैं अपने रिटन एग्जामिनेशन में, उसके अकॉर्डिंगली मेरिट जो है बनाया गया है। हालांकि वीडियो जो थी मेरी कट ऑफ की वो काफी कैंडिडेट्स देख चुके हैं, और उसके बाद उस वीडियोज में काफी ज्यादा कमेंट्स जो है वो ये लेकर आ रहे हैं कि सर सुना है कि जेकेएसएसबी द्वारा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट निकाला गया है, इस पोस्ट में जो है पहले हमें ट्रेनिंग में जाना होगा। और काफी कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि सर ट्रेनिंग में स्टाइफंड मिलेगा, कितना स्टाइफंड मिलेगा, क्या हमें फुल सैलरी मिलेगी। क्योंकि अगर बात की जाए एसआरओ 202 की, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 2015 में एसआरओ 202 को लाया गया था, और उसके बाद 2020 में इसकी अमेंडमेंट की गई, जिसमें 5 साल के जो आपकी बेसिक मिनिमम बेसिक आपको सैलरी दी जाती थी, और उसी के साथ में बेसिक के साथ आपको मेडिकल अलाउंस आपको दिया जाता था, उसके 5 साल के टेन्योर को काट के 2 साल का कर दिया गया था। हालांकि और कुछ जो चेंजेस जो है नहीं की गई थी, और ये चेंजेस जो थी एसओ 194 के अकॉर्डिंगली की गई थी। उसके बाद जो है अब कैंडिडेट्स के दिमाग में एक ही चीज जो है काफी ज्यादा स्ट्राइक कर रही है कि लेवल 5 की पोस्ट है 29,200 जो है वो बेसिक सैलरी है, और 300 रुपीज जो है ऊपर से मेडिकल मिलेगा। कुल मिला के 29,500 जो है कैंडिडेट्स को मिलेगा, जो कि कैंडिडेट्स की ये बात जो है वो काफी ज्यादा गलत है। इस पे काफी ज्यादा क्यूरीज हैं, जो कि मैं आज इस वीडियो के अकॉर्डिंगली रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्यूरीज किस तरह से हैं, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और अगर आपकी उस तरह की कोई क्यूरीज है तो आप वीडियो पे जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वीडियो को यहीं से बाहर हो सकते हैं वीडियो से। सबसे पहली जो हम क्यूरीज वीडियो में डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसकी सैलरी पे, कि इसकी सैलरी जो है क्या रहेगी, और उसके साथ में बात करेंगे एसआरओ पीरियड कितना रहेगा। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट सोच के बैठा है कि जिस दिन हम ट्रेनिंग में जाएंगे उससे 2 साल तक जो है हमारा एसआरओ पीरियड रहेगा, उसके बाद हमें फुल सैलरी दी जाएगी, तो वो कैंडिडेट जो है वो गलत सोच रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर की अगर बात करें, थर्ड नंबर है इनकी ट्रेनिंग। क्योंकि यहाँ पे भी एक कमेंट जो है कैंडिडेट का मेरे को देखने को मिला था अपने कट ऑफ वीडियो में, जिसमें कैंडिडेट ने बताया था कि सर आरडीडी डिपार्टमेंट में जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लगे हैं उनकी भी ट्रेनिंग बताई गई थी, बट उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनको डायरेक्टली ज्वाइन करवा दिया गया है, तो क्या पता हमारी भी ट्रेनिंग ना हो। इसके ऊपर भी जो है आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ में नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है वो आ रहा है सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। तो जो सैलरी है आपकी ट्रेनिंग पीरियड में वो क्या रहने वाली है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो है वो रहेगी क्यूरी, फुल सैलरी स्टार्ट बिफोर ट्रेनिंग। तो क्या फुल सैलरी जो है वो ट्रेनिंग से पहले स्टार्ट होगी, यानी ट्रेनिंग जैसे आप ज्वाइन करते हैं क्या आपको फुल सैलरी वहां पे दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन जो है मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूंगा कि जो कि किसी भी कैंडिडेट ने वहां पे नहीं किया था इस वीडियो में, वो ये है कि क्या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो है वो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही वर्क करेगा, या फिर अदर डिपार्टमेंट्स लाइक एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल शक्ति जिसे आज की डेट में हम जानते हैं, उसी के साथ में फ्लोरिकल्चर्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स, एजी ऑफिसेज हो गए, हमारे सेक्रेटरीज हो गए, तो यहाँ पे क्या जो डिपार्टमेंट के जो अकाउंट असिस्टेंट होंगे फाइनेंस के, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे या अदर डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे। ये पूरा का पूरा जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड से, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड जो है वो सबसे पहला फेज रहने वाला है यहाँ पे कैंडिडेट्स का। यहाँ पे मैं आपको सैलरी के अकॉर्डिंगली और पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड बताने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं आपके ट्रेनिंग पीरियड की तरफ। तो ट्रेनिंग पीरियड जो रहता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, वो रहेगा आपका 1 ईयर का, इसी का ध्यान रखेंगे। और 1 ईयर का जो ट्रेनिंग पीरियड है इसको आप, इसमें आपको सैलरी नहीं दी जाती, इस पे आपको स्टाइफेंड दिया जाता है। बहुत सी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आपको आज, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स की क्यूरीज है जे। तो 1 ईयर का पीरियड हो गया आपका टेन्योर, जो कि आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। इस ट्रेनिंग पीरियड में जो है आपको स्टाइफेंड दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ योर सैलरी, और स्टाइफेंड जो है वो है 6,000 रुपीज पर मंथ। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो है एज पर माई नॉलेज जो मुझे अभी तक पता है कि 6,000 रुपए प्रति माह यानी पर मंथ जो है 6,000 रुपीज आपको जो है स्टाइफंड दिया जाएगा। यानी कि 29,500 वाले जितने भी अभी कैंडिडेट सोचकर बैठे हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में हम 29,500 लेंगे, तो वो कैंडिडेट्स जो है वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्टाइफंड जो है वो दिया जाता है ट्रेनिंग पीरियड में। अब ट्रेनिंग पीरियड का एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कैंडिडेट्स को नहीं पता है वो ये है कि कैंडिडेट सभी जानते हैं कि एसआरओ 202 को सभी जानते हैं, कोई भूल नहीं सकता, जिसमें एसओ 194 में जो है अमेंडमेंट की गई है। एसआरओ 202 की अगर बात करें तो मिनिमम 2 साल का जो है आपको प्रोबेशन काटना पड़ता है, जिसमें आपको ओनली बेसिक पे प्लस मेडिकल जो है अलाउंस दिया जाता है। अगर मैं बात करूं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो कुल मिला के यहाँ पे अगर बात की जाए तो 29,200 रुपए आपकी बेसिक बनती है,
उसी के साथ में आपको 300 रुपए जो है मेडिकल दिया जाएगा, कुल मिला के आपको जो है 29,500 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। बट जब आप प्रोबेशन पीरियड के ट्रेनिंग सेशन में रहोगे तो आपको जो है ओनली 6,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। तो कोई कैंडिडेट ये भी मत सोचिएगा कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जितना भी इसका एरियर बनेगा यानी 23,500 रुपए वो आपको बाद में दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी जो है नहीं होने वाला है। तो इस चीज के साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही आप ट्रेनिंग कोई भी कैंडिडेट कर आएगा यानी 1 ईयर जैसे ही आप ट्रेनिंग खत्म करते हैं उसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा, यानी जो 2 साल आपको प्रोबेशन काटने हैं वो आफ्टर योर ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होंगे। उसमें आपको जो है 29,500 रुपए सैलरी दी जाएगी पहले 2 ईयर्स के लिए, उसके बाद जो है आपको फुल सैलरी दी जाएगी। अब फुल सैलरी क्या रहेगी वो भी आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा, पूरी एक एक रुपए का हिसाब करके बता दूंगा और बता दूंगा कि आपको कौन कौन से अलाउंसेस जो हैं आफ्टर 2 ईयर्स दिए जाएंगे और कौन कौन से अलाउंसेस जो हैं वो 2 ईयर से पहले नहीं दिए जाएंगे। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ओनली बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस, ये आपको जो है पहले 2 साल दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी अलाउंस जो है आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे वो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, चाहे आपका HRA हो, चाहे आपका DA हो, चाहे आपका इसके अलावा भी अगर TA जिस तरह से अलाउंसेस रहता है, वो अलाउंसेस जो है कोई भी अलाउंस आपको नहीं दिए जाएंगे। तो सबसे पहली क्यूरी आपकी जो है शायद यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लियर हो चुकी होगी कि प्रोबेशन पीरियड में आपको ओनली जो है स्टाइफेंड जो है दिया जाएगा, यानी कि फुल सैलरी जो है आपको प्रोबेशन पीरियड में नहीं दी जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जे लाइन भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि फुल सैलरी स्टार्ट्स बिफोर ट्रेनिंग, तो जे जो है इसका आंसर रहेगा आपके लिए नो। और इसी के साथ में सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, जे मैंने आपको बता दिया कि सैलरी की जगह आपको जो है स्टाइफेंड दिया जाएगा जिसका कुल मिला के जो है 6,000 रुपए आपका प्रति मंथ जो है यहाँ पे रहेगा। और इस 6,000 की अगर मैं बात करूं तो आपकी ट्रेनिंग्स जो है वो जम्मू में रहती है जम्मू बेस्ड कैंडिडेट के लिए, और कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट के लिए जो है कश्मीर में रहेंगी, जिसमें कुल मिला के आपको जो है रहना और खाना यानी अकोमोडेशन भी जो है आपको नहीं दी जाएगी, रहना खाना आपका अपना होगा और उसके बावजूद जो है आपको ट्रेनिंग करने में 6,000 पर रुपीज जो है गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे। फिलहाल ये जो है जितने भी अकाउंट असिस्टेंट मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मुझे क्लियर हुआ है, क्योंकि मैं खुद अकाउंट असिस्टेंट पे जो है नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीजें जो है आपको पहले ध्यान पे रखनी है। उसके साथ में ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो ट्रेनिंग पीरियड जो है आपका 1 ईयर का रहने वाला है, जो मैं आपको बता दिया है। अब SRO पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आपको SRO 3 ईयर्स का काटना पड़ेगा तकरीबन। किस तरह से काटना पड़ेगा, 1 ईयर जो है आपका रहने वाला है ट्रेनिंग सेशन और उसके बाद जो है 2 साल आपके रहेंगे SRO के पीरियड के, तो कुल मिला के 3 ईयर्स यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी की बात करूं तो 2 साल जो है SRO आपके काउंट किए जाएंगे, जिसमें आपको 3 साल वर्क करना है। हालांकि पहला साल जो है आपका SRO का नहीं रहेगा, पहला साल आपका ट्रेनिंग सेशन रहेगा। उसके साथ में बात कर लेते हैं थोड़ी सी सैलरी के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे डिपार्टमेंट्स के ऊपर। तो सैलरी के ऊपर बात करने के लिए मुझे सबसे पहले आपको जो है एक्सेल शीट पे ले जाना होगा, क्योंकि एक्सेल शीट पे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग SRO पीरियड, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो आप जो है बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप करेंगे तो काफी कंफ्यूजन आपको रह सकती है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, सॉरी ट्रेनिंग पीरियड तो मैंने आपको बता दिया, चलो फिर से बता देता हूँ। ट्रेनिंग पीरियड, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको जो है सिर्फ ओनली 6,000 रुपीज जो है पर मंथ आपको जो है दिए जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग विच मीन्स यूर SRO 202 ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाएंगे, एक दी जाएगी आपकी बेसिक पे जिसे मैं शॉर्टकट BP लिख रहा हूँ, और एक दिया जाएगा आपका मेडिकल अलाउंस जिसे मैं MA लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपकी बन जाएगी ग्रॉस सैलरी जो कि आपकी नेट भी रहने वाली है प्रोबेशन पीरियड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मैं पूरा कंप्लीट जो है एक अच्छा सा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट भी रखेंगे तो आपको जो है कभी परेशानी नहीं आएगी। 29,200 रुपए आपकी बेसिक पे है, और ये जो बेसिक पे है ये 7th पे कमीशन के लेवल 5 की पे है। तो यहाँ पे पहला सबसे पहला जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, लेवल 5 में सबसे पहला जो है ग्रेड आपका 29,200 का रहने वाला है, 2800 ग्रेड में पहला बेसिक पे का। इसके साथ में मेडिकल की अगर बात करूं तो मेडिकल अलाउंस 300 रुपीज जो है सभी के लिए सेम रहता है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो पहले प्रोबेशन में आपको यहाँ पे 29,500 रुपीज जो है आपकी ग्रॉस सैलरी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा दिसंबर मंथ में, यहाँ पे ध्यान रखेंगे दिसंबर मंथ में, एवरी ईयर दिसंबर के हर साल में जो है आपका मेडिक्लेम पॉलिसी जो है गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, जो कि 346 रुपीज की रहती है, जिसमें 345 पॉइंट समथिंग रहता है, जिसको 346 जो है एक्चुअल अमाउंट में डिडक्ट किया जाता है।
ये अमाउंट जो है आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा ओनली दिसंबर मंथ की सैलरी में, और बाकी पूरे साल की सैलरी जो है आपको वो 29,500 रुपए दी जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और मैं इस पॉलिसी का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस पॉलिसी जो है एक्सीडेंटल पॉलिसी रहती है, जिसमें 10 लाख तक का इंश्योरेंस जो है आपका गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है पूरे साल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा रहेगा आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड यानी आपकी 2 साल जो है प्रोबेशन के खत्म होने के बाद आपके कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाएंगे और क्या बेनिफिट्स जो है आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक पे की, जो कि आपको पता है क्या रहेगी। उसके साथ में दिया जाएगा मेडिकल अलाउंस, उसके साथ में आपको दिया जाएगा DA, उसके साथ में आपको दिया जाएगा HRA, उसके साथ आपको दिया जाएगा बॉर्डर अलाउंस। जो कैंडिडेट्स बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं उनको बॉर्डर अलाउंस जो है वो दिया जाएगा, जिसमें राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं और भी फर्दर जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं वो आ जाएंगी। उसके साथ में आपको दिया जाएगा यहाँ पे HRA हो चुका है, DA हो चुका है, MA हो चुका है भी। उसके साथ में आपको दिया जाएगा TA, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहेगा। उसी के साथ आपका जो है ग्रॉस सैलरी यहाँ पे रहेगी। अब जो आगे ग्रॉस सैलरी रहेगी, जो कि आपकी पूरी सैलरी कितनी है वो आपकी ग्रॉस सैलरी रहती है। उसके बाद जो है आपकी NPS डिडक्शन होगी। अब NPS डिडक्शन मतलब जो आप जो है अपनी पेंशन के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, वो जो लिमिट रहती है गवर्नमेंट ने लगा रखी है आपकी बेसिक और मेडिकल का, माफ कीजिए, बेसिक और DA का 10% अमाउंट जो होगा वो आपका NPS डिडक्शन होगा, जो कि सब्सक्राइबर्स की तरफ से किया जाएगा। सब्सक्राइबर कौन होगा? सब्सक्राइबर आप होंगे। तो यहाँ पे जो है NPS का अमाउंट डिडक्ट करने के बाद आपको जो है नेट पेएबल सैलरी दी जाएगी। अब चलिए मैं फिलहाल इस साल के जो अभी DA रेट्स चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली आपको सैलरी बनाकर बता देता हूं कि जैसे ही आपका 2 साल का प्रोबेशन खत्म होगा तो आपकी सैलरी, अगर सपोज करिए आप 2 साल पहले से काम कर रहे हैं तो आज जाके आपका अगर प्रोबेशन पूरा होता है तो आपको कितनी सैलरी जो है डायरेक्टली मिलेगी, यानी कितना गैप जो है आपको खत्म होगा बीच का। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, आपको हर चीज जो है यहाँ पे डीपली बताने की कोशिश करूंगा। अगर किसी कैंडिडेट को कोई कुछ भी कभी प्रॉब्लम आए तो कोई भी कैंडिडेट जो है मुझे कॉन्टेक्ट करे डायरेक्टली, तो डेफिनेटली मैं उनको बता दूंगा। तो यहाँ देखिए 29,200 रुपए आपकी बेसिक रहेगी। सबसे बड़ा लॉस क्या है SRO 202 में, आपको कोई भी जो है इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो कोई भी इंक्रीमेंट जो है आपको इन 2 सालों में नहीं दी जाती है। 2 साल खत्म होने के बाद जो है आपकी सही सर्विसेज जो है वहां से स्टार्ट की जाएंगी। हालांकि वो जो 2 साल रहते हैं प्रोबेशन के वो काउंट किए जाएंगे, उन प्रोबेशन को जो है वो नहीं रोका जाएगा। तो कोई भी प्रोबेशन पीरियड की जो है आपकी इंक्रीमेंट नहीं रोकी जाएगी। उसी के साथ नेक्स्ट अलाउंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट अलाउंस आपका रहने वाला है वो है आपका मेडिकल अलाउंस, जो कि आपका 300 रुपीज ही रहेगा, चाहे आप 5 साल सर्विस करें चाहे 10 साल करें, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड अमाउंट जो है मेडिकल अलाउंस रखा गया है। उसके बाद आपका DA, अगर DA की मैं बात करूं, इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में DA जो है 34% चल रहा है, जो कि रिसेंटली अभी 3% जो है इंक्रीमेंट दी गई है। हालांकि ये जनवरी का इफेक्ट है। इसमें अगर बात करें 6-6 महीनों में आपका जो है DA रिवाइज होता है, DA के रेट्स जो हैं वो 6-6 महीने में रिवाइज किए जाते हैं, जिसको हिंदी में आप महंगाई भत्ते के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 34% की, तो हमेशा आपकी बेसिक पे के अकॉर्डिंगली ही आपके बाकी अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी मैं फॉर्मूला सेट कर देता हूँ कि आपकी बेसिक पे का 34% जो है वो आपको आपके DA में दिया जाएगा। तो यहाँ पे 34% कर दिया, जो कि 9,928 रुपीज ऑनली आपका DA का अमाउंट बनता है। उसी के साथ में HRA की अगर मैं बात करूं तो HRA डिपेंड करता है आपकी सिटी से। अगर आप जम्मू मेन सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर कश्मीर मेन सिटी से बिलोंग करते हैं तो वहां के रेट जो है वो 18% होंगे। अगर आप जो है किसी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में या फिर किसी छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं जो कि मेट्रो सिटी में नहीं आती है, तो वहां पे आपके 9% जो है आपका HRA का रेट रहता है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 9% फिलहाल मैं रेट लगाकर आपको बता देता हूँ, क्योंकि मिनिमम आपको करके बताता हूँ, मैक्सिमम आप खुद लगा लीजिएगा फॉर्मूलाज। तो हमेशा जो भी मैंने आपको बताया अलाउंसेज आपकी जो है बेसिक पे के अकॉर्डिंगली ही सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 9% आपको जो है आपकी बेसिक पे के अकॉर्डिंगली HRA का अमाउंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HRA का अमाउंट जो है आपका 9% रहेगा। तो यहाँ पे जो है 18% भी जो है आप लगा सकते हैं जो कि सिटी से बिलोंग करते हैं। उसी के साथ में BA अलाउंस की बात करूं तो बॉर्डर अलाउंस जो है आपको 180 रुपीज जो है बॉर्डर एरियाज के कैंडिडेट्स जो होंगे उनको मिलेगा, जो कि आपके 29,200 के पे स्केल के अकॉर्डिंगली रहेगा। हालांकि ये अलाउंस जो है आपका 220 रुपीज हो जाएगा, बट ये होगा कब, जब आपकी बेसिक पे जो है एटलीस्ट आपको 2 इंक्रीमेंट्स लग जाएंगे, यानी माफ कीजिए 3 इंक्रीमेंट्स लगेंगे, जिसमें आपका 33,900 तक जब तक बेसिक नहीं आएगी आपकी, तब तक ये अलाउंस जो है आपका 220 रुपीज नहीं होगा। आगे बात करते हैं TA अलाउंस की। तो TA की अगर बात करें तो 1,800 रुपए आपका ट्रेवलिंग जो है अलाउंस है TA है आपका, जिसमें आपको DA 34% जो है वो जोड़ा जाता है। तो अगर मैं रिसेंटली अभी बात करूं तो जिस तरह से 34% अभी गवर्नमेंट द्वारा कर दिया गया है, तो आप 1,800 का जो है 34% लगा लीजिए
उस अकॉर्डिंगली जो है आपका डीए बन जाएगा। तो यहां पे मैं लगा देता हूं 1800 का 34%, तो यहां पे ये बन जाएगा आपका 2412 रुपीज। तो अभी जो है करंट टीए का रेट 2412 चल रहा है, और इसी के साथ में जो भी कोई अगर अगर यहाँ पे कोई हैंडीकैप कैंडिडेट है यानी पीएचसी कोई कैंडिडेट है तो उसको जो है ये अमाउंट डबल मिलता है, यानी 4824 रुपए जो है उस कैंडिडेट को दिए जाएंगे इस अमाउंट के, और जो पीएचसी कैंडिडेट यानी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं है उसको 2412 रुपए जो है अमाउंट दिया जाएगा। इन सभी अलाउंसेस के साथ आपकी जो है ग्रॉस सैलरी बनाई जाएगी, जिसमें आप देख पाएंगे 44,648 जो है आपकी ग्रॉस सैलरी होगी अगर आज की डेट में आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है। तो यहाँ पे 29,200 था, तो यहाँ पे मैं माइनस भी करके आपको दिखा देता हूँ, 29,200 था, इसको यहाँ पे आप माइनस कर लेते हैं तब पता चल जाएगा आपको कितना अमाउंट बनेगा। तो कुल मिला के आप देखिए 15,448 रुपए जो है पर मंथ आपको सैलरी कम मिलेगी प्रोबेशन में। उसके साथ में आप एनपीएस डिडक्शन की बात कर लें, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपकी बेसिक पे और आपके डीए का 10% अमाउंट जो है काउंट किया जाता है, तो ये बनता है 39,128 जो कि आपका 10% कटेगा, तो कितना कटेगा 3913 रुपए, 3913 जे आपका जो है एनपीएस डिडक्शन होगा। और उसके बाद आपको नेट सैलरी जो है आपके ग्रॉस से आपका एनपीएस जब अमाउंट कटेगा जे आपको नेट सैलरी आपको दी जाएगी जो कि आपकी 40,735 रुपीज रहेगी। अब जो कैंडिडेट्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करते तो उनको जो है बीए नहीं दिया जाएगा, तो उन कैंडिडेट्स की जो सैलरी बनेगी वो आप देख सकते हैं 44,468 रहेगा, जिसमें एनपीएस डिडक्शन के बाद 40,555 रुपीज जो है उनको नेट सैलरी दी जाएगी। तो फिलहाल ये है जितने भी कैंडिडेट्स फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सिलेक्ट हुए हैं उनके पूरा पे स्ट्रक्चर की किस तरह से आपकी पे रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको शायद ज्वाइनिंग से पहले मेरे को लगता है कि बताना जरूरी है, कि अगर आप जो है ज्वाइनिंग के बाद आपके डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स होते हैं इंक्रीमेंट वाले, अब उन एग्जाम्स के नाम जो है मुझे क्लियर नहीं है, हालांकि आप लोग वॉल्यूम्स के एग्जाम्स रहते हैं वो आप पूछ लीजिएगा किसने अपने फ्रेंड से। अगर आपके एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होते हैं जो कि अनलिमिटेड रहते हैं आपकी सर्विस में, तो आपको ओनली 6 इंक्रीमेंट्स दी जाएंगी और उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट जो है रोक दी जाएगी और आपकी प्रमोशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए एग्जाम्स पे भी आपको ध्यान देना है डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद। अब बात करते हैं कि जो मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो है वो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही वर्क नहीं करेगा, वो अदर डिपार्टमेंट में भी वर्क कर सकता है। जिस दिन आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है और आप डायरेक्टर ऑफिस में ज्वाइन करोगे उस डेट से आपकी सैलरीज जो है यानी प्रोबेशन पीरियड का जो पीरियड है वो उस डेट से आपका स्टार्ट हो जाता है, और प्रोबेशन पीरियड जो है आपका आफ्टर ट्रेनिंग ही स्टार्ट होगा। इस चीज का जो है कैंडिडेट्स ध्यान रखें। तो जिस कैंडिडेट ने भी जिन जिन कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज करे थे और जिन जिन कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट करा था मेरे कट ऑफ वीडियो में कि सर एक वीडियो बनाइए जिसपे हमें बताइए कि क्या प्रोबेशन रहना है, क्या स्टाइफंड मिलना है, बहुत सी चीजें सुनने को मिल रही हैं, तो आई होप आपका जो है इस वीडियो लेक्चर से काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और इसके बावजूद अगर कोई चीज जो कि अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही और आपको कंफ्यूज हो रही हो तो बिल्कुल जो है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पे, तो वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। हालांकि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा कमेंट्स होते हैं जिनके रिप्लाईज मैं नहीं कर पाता हूं, बट इंस्टाग्राम में जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो वहां पे मुझे अपीयर हो जाता है कि मैसेज के रिप्लाईज जो है वो करने हैं, तो वहां पे मैं जो है रिप्लाई आसानी से कर देता हूं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, होप सो वीडियो जो है आपको काफी अच्छी लगी होगी और काफी चीजें आपके डाउट्स जो है क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।